Good morning parents and my dear children. I am Manisha, your resource room and learning lab teacher. बच्चों, maths आपको थोड़ी difficult लगती होगी, लेकिन maths बहुत interesting subject है. So आज हम maths revise करेंगे. Let's see आप में से किन बच्चों को maths के कौन से concepts clear हैं and कौन से concepts में और practice की जरूरत है. Alright, so let's get started. तो पेरेंट्स, दिस इज़ द मैथ्स वर्कशीट जो हम बच्चों को बहुत इजी तरीके से रिवाइज भी करा सकते हैं. हम देख सकते हैं कि बच्चों के क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हैं. जैसे सबसे पहले मैच नंबर टू नंबर. सो हम एक तरफ नंबर्स लिखेंगे, राइट साइड में भी हम सिमिलर नंबर्स लिखेंगे, बट पैटर्न एंड पोजिशन डिफरेंट कर देंगे. चाइल्ड हैव टू मैच एंड ऑल्सो हैव टू से लाइक दिस इज नंबर वन, मैच द नंबर वन विद द नंबर वन. Similarly, find where is number 2 on the right hand side. Very good. And this is how till 10 we can introduce, or till 9 we can write the numbers and tell the child to match those. Second activity is we can write all the numbers in any shape. I've made an apple. You can make any shape. Write all the numbers and then you have to tell the child to identify and circle number 3, for example. So child among all the numbers will circle wherever there is number 3. Then after number 3, you can also mention, now you have to circle all the number 4s and so on. ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो हमने लर्निंग लैब में एक्टिविटी कराई थी, जिसमें आपको ऑड वन आउट फाइंड करना था, जिसमें सिमिलैरिटी वाली जो चीज़ें हैं और जो एक चीज़ जिसमें सिमिलैरिटी नहीं है आपको उसको सर्कल करना था या पॉइंट आउट करना था. सिमिलरली यहाँ पर जो सेम नंबर्स हैं, जैसे 2, 2, 2, 2, लेकिन बीच में अगर 1, 3 या कोई और नंबर है तो वो नंबर होता है ऑड वन आउट, दैट इज़ द डिफरेंट नंबर. सो आप उसको सर्कल करेंगे. इस तरीके की जो वर्कशीट्स होती हैं बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं. डियर पेरेंट्स, I hope now you all know how to revise math subject, जिससे कि बच्चों को भी ये पता चले कि उन्हें maths में क्या आता है और क्या practice या learn करने की जरूरत है. Happy studying! Thank you!